अस्सलाम वालेकुम, अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे एक यूनिक रेसिपी जो है अनियन और कैप्सिकम रिंग्स की। आपने पकौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, तो इस बार आप ट्राई करिए हमारी स्टाइल में, अदीबा की रसोई की स्टाइल में ये रिंग्स। ये घर में बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं अदीबा की रसोई में और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं अनियन और कैप्सिकम रिंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं अनियन और कैप्सिकम। इसको कट कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिया है ये 2 कप मैदा। उसके बाद में ये पैन को ब्रेड क्रम से, ये हमने घर में ही बनाया नॉर्मल ब्रेड क्रम की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट है। उसके बाद में ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और ये 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और यहाँ पे हमने लिया है 1/3 कप कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कटिंग करना, कैसे आपको रिंग्स निकालने हैं अनियन और कैप्सिकम के। तो चलिए कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हम अनियन कट करेंगे। तो आप ऐसे अनियन लीजिएगा, अगर इतनी बड़ी अनियन है तो आप इसको 3 पार्ट में ही कट करिएगा। वो अराउंड 1 सेंटीमीटर की इनकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से निकल आएगा। अब आपको ये बीच से इनके रिंग्स अलग करने हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट रिंग निकल के आ जाएंगे। और ये जो बीच का पोर्शन बचेगा ना आपका, तो इसे आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप कोई ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें चॉप करके अगर डालना हो प्याज तो आप इसे रख लीजिएगा और तब यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए 1 सर्कल से 4 रिंग्स निकल गए हैं। सिमिलरली अब हम फिर से इसे 1 सेंटीमीटर की थिकनेस में कट करेंगे। ये देखिए फिर से हमारे पास में 1 सर्कल आ गया। आराम से निकालिएगा इनके रिंग्स को आप। ये देखिए हमने अपनी सारी अनियन के रिंग्स निकाल ली हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ना बहुत पतली है ना ही बहुत मोटी है। तो चलिए कैप्सिकम के भी रिंग्स निकाल लेते हैं और बताते हैं उसे कैसे कट कर। ये कैप्सिकम को आपको कैसे कट करना है, यहाँ पे हमने कैप्सिकम लिया है। पहले तो आप इसका ये आगे का पोर्शन हटा दीजिएगा इस तरीके से कट करके। देखिए ये हमने रिमूव कर दिया। अब आपको इसके भी इतनी 1 सेंटीमीटर की ही थिकनेस आप रखिएगा अंदाजन। और ये देखिए इस तरीके से आप इसे कट करिएगा। अब अभी आपको लग रहा होगा ये रिंग नहीं है, तो आपको देखिए ये इसके ये रिमूव करने इस तरह से, तो ये इसका सेंटर का जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा और हमें इस तरीके से कैप्सिकम के भी रिंग्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे अपने रिंग्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने कैप्सिकम के सारे अपने रिंग्स निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इतनी इसकी थिकनेस है। तो चलिए अब इनको इनके लिए बनाते हैं बैटर जिसमें हम इसे डिप करेंगे। देखिए बैटर के लिए यहाँ हमने जो मैदा आपको दिखाया था वो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस जो दिखाए थे, रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और साथ ही ये कॉर्नफ्लावर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें 1/4 टीस्पून के अराउंड बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा, अंदर से हमारे जो रिंग्स हैं वो सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से एकदम क्रंची रहेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करते जाइएगा और एक रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, आपको एक एक रिंग्स लेनी है, इसमें से डिप करिएगा। मेक श्योर कि ये बैटर अच्छे से हमारी रिंग्स में लग जाए। उसके बाद में आप इसे उठाइएगा और थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से होल्ड कर लेगा, सो दैट जो इसका एक्सेस बैटर है ना वो ड्रॉप आउट हो जाए। उसके बाद में आपको इसे ब्रेड क्रम में डिप करना है और अच्छे से दबा करके लगा दीजिएगा ब्रेड क्रम भी इसमें। ये देखिए हमने अपने कैप्सिकम रिंग और अनियन रिंग दोनों को अच्छे से ब्रेड क्रम वगैरह लगा करके कोट कर लिया है। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो चलिए तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम एक एक करके ये रिंग्स अपने इसमें डाल देंगे। ऑयल थोड़ा तेज़ गरम होना चाहिए। अगर बहुत कम गरम तेल में आप इसे डाल देंगे ना तो आपके रिंग्स ना तेल पी जाएंगे और वो उतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे।
ठीक है, हमने इसे टच नहीं किया और ये अपने आप देखिए धीरे धीरे ऊपर आने लगे, एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी रिंग्स फ्राई हो गई हैं, उनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा इनमें कलर आया है। डाल लेंगे एक एब्सॉर्बेंट पेपर पे। ये देखिए सेम तरह से हम अपनी अनियन रिंग्स भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। आपने प्याज की पकौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आप इस तरीके से रिंग्स बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये देखिए हमारे अनियन रिंग्स भी फ्राई हो गए हैं और इनमें बहुत अच्छा सा आप देख सकते हैं कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे। देखिए हमने अपनी रिंग्स को कर लिया है डिश आउट। ये देखिए कैप्सिकम रिंग और ये है हमारी अनियन रिंग, और ये दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इफ्तारी में, और अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर करिएगा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।